जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं फिलहाल पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन में, जो कि बहुत ही खूबसूरती से बना है। 3 बजे मैं यहां पे पहुंचा और थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था, मतलब प्लेटफॉर्म्स जो हैं 1, 2, 3 अलग बने हैं, तो इस चीज़ का आप लोग भी ध्यान रखिएगा। और आज हम ट्रैवल करने वाले हैं लेजेंडरी आश्रम एक्सप्रेस में, जो कि यहाँ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद तक चलती है। वैसे ये ट्रेन काफ़ी लेजेंडरी है, काफ़ी पुरानी है। 1921 में इसे शुरू किया गया था, मीटर गेज ट्रेन थी तब ये, तो दिल्ली से अहमदाबाद तक चलती थी। फिर बीच में काफ़ी बदलाव हुआ है, जब ब्रॉड गेज में कन्वर्जन हो गया रूट का, 1997 में ब्रॉड गेज हो गई। समय के साथ आज LHB भी है और आज हम इसके फर्स्ट AC में ट्रैवल करने वाले हैं। जल्दी से कोच तक पहुँचते हैं, बाकी बातें आपसे वहीं होंगी। फाइनली ये रही अपनी ट्रेन, जल्दी से अंदर चला जाए, इंटीरियर देखा जाए कैसा है इसका फर्स्ट AC। तो दोस्तों ये है अपने कोच का इंटीरियर, मतलब काफ़ी साफ सुथरा लग रहा है यार, फर्स्ट इंप्रेशन जो है काफ़ी कमाल का है इसका। दोस्तों मैं आश्रम एक्सप्रेस में सफ़र करने ही वाला था, तो यहाँ मेरी बचपन की दोस्त मिल गई रितु, मतलब काफ़ी अच्छा लगा यार। हम लोग लगभग 1.5-2 साल बाद मिल रहे हैं ना, तो हम लोग मतलब काफ़ी समय से प्लान कर रहे थे, और यहाँ रैंडम मीटअप भी हमेशा काम आता है, क्यों रितु? हाँ, मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ कि सत्या बहुत अच्छा कर रहा है यूट्यूब में, और लकली आज हम लोग मिल भी गए। ये बैग लेकर, तारीफ सुनने मिल रही, अच्छा लग रहा है। बैग लेकर जा रहा था अपने किसी कलीग के साथ, तो मुझे लगा चलो इससे एक बार मिल ही लेती हूँ। लकीली मुलाकात हो गई हमारी आज यहाँ पे। मैं अपनी फैमिली के साथ काठगोदाम जा रही थी, ये भी देखिए हमने पकड़ लिया। क्या नहीं यार, आज तेरे को वीडियो मिलेंगे। चलेंगे फिर कभी, चलेंगे हम लोग साथ में। बाकी मतलब मैं इससे थोड़ा मिल लेता हूँ, और आप लोगों को मिलाना भी चाहता था बहुत दिन से। मैंने इंस्टाग्राम में भी एक बार इसके साथ फोटो डाला था, तो कमेंट्स आए थे, मैं सोचा मिला ही देता हूँ अपने बचपन के दोस्त से। और संदीप भाई हमारे साथ आज ट्रैवल कर रहे हैं आश्रम एक्सप्रेस में एंड टू एंड, तो आप लोग को इस जर्नी में बहुत सारी इंटरटेनिंग चीज़ें मिलती रहेंगी। फिलहाल मैं इनसे मिल लेता हूँ, डिपार्चर पर आप लोगों से मिलता हूँ। दोस्तों मैं अपनी ट्रैवल बुकिंग के लिए वीगो ऐप का यूज़ करता हूँ, जो कि एक वर्ल्ड वाइड ट्रैवल ऐप है, जहाँ से आप फ्लाइट्स, होटल्स, सभी चीज़ें आसानी से बुक कर सकते हैं। ये आपको 100 से ज़्यादा वेबसाइट, 1000 से ज़्यादा रिजल्ट्स को कंपेयर करके बेस्ट डील, बेस्ट प्राइस में प्रोवाइड करता है। हाल ही में वीगो ने ट्रेन बुकिंग भी लॉन्च किए, वैसे तो अपनी ये टिकट भी मैंने वहीं से बुक की है। जल्दी से आपको सिखा देता हूँ कैसे आप लोग वीगो से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। वीगो ऐप को ओपन करिए, ट्रेन्स के आइकन पर जाइए, अपना सोर्स स्टेशन, डेस्टिनेशन और डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करिए। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे ट्रेन के, जो भी आपके लिए सूटेबल ट्रेन है उसे बुक करिए और अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए। मेरी तरफ से आप लोग को एक सलाह ये भी रहेगी कि भाई ट्रेन टिकट बुक करने से पहले सेम रूट पे फ्लाइट टिकट भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार वीगो कम से कम दाम में आपको फ्लाइट टिकट भी प्रोवाइड करता है। तो भाई देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी जाइए वीगो ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी ट्रैवलिंग को शुरू कीजिए। दोस्तों आश्रम एक्सप्रेस में आज हम लोग टोटल 940 किलोमीटर की दूरी को तय करने वाले हैं। ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर 3:20 का है, कल सुबह 6:30 तक हम लोग अहमदाबाद में होंगे। और ट्रेन की जो रेक शेयरिंग है ना, वो मंडोर एक्सप्रेस के साथ है, जो कि दिल्ली से जोधपुर के बीच में चलती है। इस चीज़ का ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ही छूटती है पुरानी दिल्ली के, तो आपकी ट्रेन ना मिस हो जाए। और आज हम लोग इसमें सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन को अभी फिलहाल डीजल लोकोमोटिव लग रहा है एंड टू एंड, और कुछ ही समय बाद अब इसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लग जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ डीजल लोकोमोटिव की यादें आप लोग के साथ शेयर की जाए। मिलते हैं फिर वापस कभी दिल्ली में। बिल्कुल यहाँ पे 3:20 अपनी ट्रेन चल चुकी है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। रेल यात्रा में जब ऐसे ही दोस्त मिल जाते हैं ना, तो मतलब पूरी जर्नी मतलब खुशहाल हो जाती है। अभी से ही अच्छा लग रहा है, इस जर्नी के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है। वैसे भी लेजेंडरी ट्रेन है, जो कि मीटर गेज के ज़माने से चली आ रही है, तो एक्साइटमेंट तो भाई और ही डबल है। खैर चल चुके हैं हम लोग अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से। ये सब खतरनाक स्टंट है भाई, इतना तो हम दो पैर वाले भी हिम्मत नहीं कर पाते, इतना ये एक पैर से हिम्मत कर ले रहे हैं। और ये पुरानी दिल्ली का एरिया जो है बहुत ही खतरनाक है यहाँ, मतलब फ़ोन तो हम लोग निकाल रहे हैं पर बिल्कुल ही रिस्की है। आप लोग ऐसी कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर चोरी वगैरह बहुत ही ज़्यादा होती है भाई, ख्याल रखना है आपको भी इस चीज़ का। यहाँ आश्रम एक्सप्रेस के ही रेक्स जो है उनकी भी शंटिंग चल रही है।
वैसे तो मैंने सोचा आपको यार गुड़गांव दिखाऊं, ट्रेन इतने उससे स्टाइल से गुड़गांव में एंट्री ली और इतनी भीड़ खड़ी थी, इतनी भीड़ खड़ी थी 2 मिनट का स्टॉप। भाई लोग इतने रफ एंड टफ चढ़े जा रहे हैं, जनरल वाले एसी वैसी, इतना रश हो गया कि मैंने सोचा भाई डिपार्चर पे ही बात करूँ, कहीं ऐसा ना हो मैं ही रह जाऊँ जो जर्नी पूरी अपनी पड़ी हुई वो खाली रह जाए। यहाँ से हम लोग गुड़गांव से भी चल चुके हैं, अब यहाँ से आप कह सकते हो कि दिल्ली जो है वो ख़त्म होता है, अब बढ़ेंगे राजस्थान एक्सप्लोर करते हुए, जयपुर होते हुए अजमेर के रास्ते, आबू रोड के रास्ते पहुँचेंगे कल सुबह तक अहमदाबाद। यहाँ अपनी ट्रेन दोस्तों गढ़ी हरसरू रेलवे स्टेशन स्किप कर रही है, यहाँ पे अपना स्टॉप नहीं, पर यहाँ से फारूख नगर के लिए लाइन जाती है। और पहले यहाँ पे स्टीम लोकोमोटिव के साथ भारतीय रेलवे ने एक ट्रेन सेवा भी शुरू की थी जो फिलहाल अभी बंद चल रही है, इसलिए गढ़ी हरसरू को जंक्शन कहा जाता है। ये लाइन आप देख रहे हैं, इसी में रेलवे की स्टीम सेवा शुरू की गई थी पहले। दोस्तों यहाँ आश्रम एक्सप्रेस में अपनी जर्नी काफी कमाल की चल रही है, यहाँ पे आज की कॉफी आश्रम की, देखते हैं स्वाद कैसा है इसका। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ब्लैक कॉफी हो, इसमें चीनी भी पड़ी है, मतलब पानी वाली फीलिंग आ रही है, दूध तो है नहीं। खैर इसमें ये 20 रुपीज़ की दी गई, रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि 20 रुपीज़ का रेट है, शायद फर्स्ट एसी के पैसेंजर है इसलिए शायद ये रेट रखा गया, वरना तो नॉर्मली 10 की मिल जाती है। काफ़ी समय से मेरी इच्छा थी इसमें ट्रैवल करने की। ये एक मीटर गेज ट्रेन रही है जिसका ट्रेन नंबर था 505 और सूट की सेकेंड फास्टेस्ट मीटर गेज ट्रेन थी। जयपुर के लिए पहले पिंक सिटी एक्सप्रेस चलती थी, उसके बाद ये आश्रम एक्सप्रेस अपनी ये फास्टेस्ट हुआ करती थी दिल्ली से अहमदाबाद, दिल्ली जयपुर रूट में। और ये एक लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन भी थी, लगभग 20 घंटे लेती थी पहले अहमदाबाद जाने में, और अभी लगभग ये 15.5 मतलब 15 घंटे 30 मिनट कुछ ऐसे लेती है। दोस्तों ये कुछ अंतर आया जब ट्रेन मीटर गेज से ब्रॉड गेज हो गई है, बाकी हाँ फैसिलिटीज़ में देख सकते हैं आप बहुत अंतर है, एसी कोचेस, स्लीपर कोचेस, नंबर ऑफ पैसेंजर ज़्यादा कैरी कर सकती है, तेज़ चल सकती है, यही सब चीज़ें जो होती हैं ना एक रूट को, एक ट्रेन को, उसके प्राइड को बढ़ाती हैं, और इस रूट की सबसे लेजेंडरी ट्रेन में से और बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। स्वर्ण जयंती राजधानी भी काफ़ी पसंद है, उसकी जर्नी आप लोगों ने देखी है, अगर आप लोग कहेंगे तो उसमें भी अहमदाबाद से दिल्ली जर्नी करूँगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा क्या देखना चाहते हो स्वर्ण जयंती राजधानी में जर्नी अहमदाबाद से दिल्ली फर्स्ट एसी में। तो दोस्तों यहाँ देखिए कुछ ऐसे दिखते हैं डबल स्टैक्स कंटेनर वाली ट्रेनें, हमारी ट्रेन की हाइट और बाजू में आप देख सकते हैं कितने ऊँचे लगते हैं, एक्चुअली डबल डबल ट्रेन से अपनी क्रॉसिंग भी हो रही है। खैर मैं ट्रेन के अंदर कॉफ़ी पी रहा था और अचानक से आ गया तो आपको यहीं से दिखाना पड़ रहा है। डीजल रूट होने के भरपूर फायदे, यहाँ अपनी आश्रम एक्सप्रेस निकली है पटौदी रोड रेलवे स्टेशन से और एल्को लोकोमोटिव से अपनी मुलाकात, वो भी झांसी शेड का। आज अपना मेन टारगेट है डीजल रूट को फुल एंजॉय करने का, ताकि जब ये ट्रेन इलेक्ट्रिक रूट इलेक्ट्रिक रन में चले तब आपको इसकी यादें आए। दोस्तों फर्स्ट एसी की सबसे मेन चीज़ होती है यहाँ पे इसमें दिया जाने वाला शावर रूम। फर्स्ट एसी में आप नहा भी सकते हैं अपने ट्रेन में, तो देखिए यहाँ पे नहाने की पूरी व्यवस्था आपके लिए और आप यहाँ पे मज़े से नहा सकते हैं। मैं तो खैर मुँह वगैरह धो चुका हूँ क्योंकि गर्मी थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है, बाकी यहाँ से आप नहा सकते हैं और सारी सुविधाएं आपको दी गई होती है, ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है। दोस्तों यहाँ हम लोग रेवाड़ी जंक्शन पहुँचने वाले हैं और ये जो लाइन है ना रोहतक, भटिंडा, हिसार, इन सभी रूट्स के लिए जाती है। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है 8 प्लेटफॉर्म का और काफ़ी ऐतिहासिक भी है। चलिए पहुँचते हैं रेवाड़ी। वहाँ पे डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों भाई साथ साथ, और यहाँ खूबसूरती से अपनी ट्रेन रेवाड़ी जंक्शन पहुँचती हुई, और यहाँ पे देखिए हाई राइज पेंटो, कैसे लोकोमोटिव का जो पेंटोग्राफ है कितना हाइट तक उठाया गया है। यहाँ
पे रेवाड़ी की रेवड़ी भी आपको स्टेशन में देखने को मिल जाएगी, और साथ साथ रेवाड़ी की पकौड़ी वगैरह भी काफ़ी फेमस है। मतलब यहाँ हर तरह की पकौड़ियाँ शाम में मिल जाती हैं रेलवे स्टेशन में ही। तो दोस्तों रेवाड़ी में अपना अराइवल 4:58 PM का था, यहाँ 15 मिनट के डिले के साथ आए, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। अपनी फेवरेट ड्रिंक ले लिए अमूल की बादाम मिक्स की, बहुत ही अच्छी लगती है मेरे को। और वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पे रेवाड़ी में स्टीम लोको शेड भी है, और पहले तो यहाँ पे स्टीम लोकोमोटिव का रिवर्सल किया जाता था, एक रोटेटिंग टेबल भी थी। और 1873 में जब से स्टेशन को खोला गया था ना, मीटर के ट्रेन्स का बहुत ही बड़ा हब हुआ करता था, और आज भी बहुत बड़ा हब है। यहाँ से लगभग 6 रूट जाते हैं, रिंगस वाला रूट भी जाता है, और हम लोग जयपुर वाला लाइन पे तो बढ़ ही रहे हैं, बांदीकुई वाला लाइन पे। बाकी शुरू में भी मैंने आप लोगों को रूट्स दिखाए ही, 8 प्लेटफॉर्म का भी है, बड़ा सा रेलवे स्टेशन हो चुका है, और साथ में अब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी यहीं से होकर गुजरता है। चलिए चलते हैं अंदर, क्योंकि अब अपना डिपार्चर जो होने वाला है। और यहाँ ज़्यादा देर ना रुकते हुए हम लोग रेवाड़ी जंक्शन से भी चल चुके हैं। शाम बहुत ही खूबसूरत हो रही है। और दोस्तों वहाँ पे रिंगस लोहारू वाली लाइन हमसे अलग होती है, और हम लोग अलवर बांदीकुई वाली लाइन पे बढ़ रहे हैं। और यहाँ अपने रेल ज्ञान कोश वाले संदीप भाई शाम के समय में बादाम मिल को एंजॉय करते हो, कैसा है भाई? अच्छा है ना, मुझे बादाम फील हो रहा है, फील हो रहा है ना। इसमें बादाम की बाइट्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं, अमूल का काफ़ी अच्छा है यार, मुझे काफ़ी पसंद है ये। अरावली हिल्स की शुरुआत होती है, हम लोग अलवर की ओर बढ़ रहे हैं खैरथल से, काफी खूबसूरत नजारा है शाम का। दोस्तों यहाँ पे मथुरा से आने वाली लाइन आ चुकी है, और हम लोग भी अब अलवर जंक्शन पहुँचने वाले हैं। अलवर को इसीलिए जंक्शन कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन सीधा मथुरा के लिए जाती है। ये अलवर का फेमस मिल्क केक, और यहाँ पे समोसे भी अपने ले लिए हम लोगों ने। दोस्तों अलवर को जंक्शन क्यों कहते हैं, तो आप लोगों ने आउटर पे ही देखा, 6:04 पे अपना अराइवल था, पर हम लोग थोड़ा सा डिले के साथ पहुँचे, मात्र 3 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत सारी चढ़ी है भाई ट्रेन में। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ,
भांगर फोर्ट जो आपने घोष फोर्ट की बात सुनी है वो अलवर से पास ही है, और साथ ही साथ सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी बगल में, और यंग फोर्ट ऑफ इंडिया वो भी यहीं पे है, यानी बाल किला। चलिए डिपार्चर सिग्नल उसके बाद चलते हैं अंदर, ये सब चीज़ें भी सीट पे रखनी है। अलवर भी हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुके और तुरंत यहाँ से भी निकल गए। करीब से देख लीजिए, ये है अलवर के मिल्क केक का हिस्सा। चलिए स्वाद देखा जाए इसका कैसा है। दोस्तों यहाँ संदीप भाई अपने को टेस्ट करके बताएंगे अलवर का मिल्क केक कैसा है, क्योंकि संदीप भाई को काफ़ी पसंद है वैसे मिल्क केक। नहीं, बाकी मिल्क केक मुझे बहुत पसंद है, और अलवर के मिल्क केक तो वैसे ही मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये मैं दूसरी बार मिल्क केक जो है यहाँ के ट्राई करने जा रहा हूँ। पहली बार तो बहुत अच्छे लगे थे, और अभी देखते हैं ये कैसे हैं। बिल्कुल हूबहू वही स्वाद है जो पिछली जर्नी में मुझे, मतलब कि पिछली जर्नी मुझे देखने को मिला था, बिल्कुल वही टेस्ट है। और हाँ, अलवर आओ तो ज़रूर से यहाँ के मिल्क केक जो है वो टेस्ट करो, और साथ ही साथ मावे जो है वो भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, तो वो भी आप टेस्ट ज़रूर से करना, बहुत ही अच्छा है ये। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बांदीकुई पहुँचे ही थे जस्ट, और हमारे एक सब्सक्राइबर भाई से मैं मिला तब तक यार डिपार्चर सिग्नल हो गया। भाई आपका नाम? अक्षत। अक्षत से मुलाकात हुई बांदीकुई में, बाकी बातें आप लोग से जल्दी करता हूँ, वक्त डिपार्चर हो उसके अपने यहाँ से। सी यू भाई, बाय। दोस्तों ट्रेन तो ज़रा भी देर नहीं रुकी बांदीकुई में भाई, मतलब मैंने सोचा था थोड़ी देर तो रुकेगी, उतरते ही चल दी यार। दोस्तों 1874 में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के लिए पहली रेल सेवा शुरू हुई, और भाई इतनी उसकी जो मान्यता है वो बढ़ गई, इतना लोग उसे मानने लगे कि जब तत्कालीन जो वहाँ के राजा थे माधव सिंह जी, उन्होंने एक माधव मंडी नाम की जगह भी यहाँ पे खोल दी, और बांदीकुई को रेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की जो रेलवे कॉलोनी है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। भाई जो लोग बांदीकुई से हो कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। रात में तो अपना फर्स्ट एसी का कोच तो काफी तगड़ा चमक रहा है। पर हम लोगों ने जो ये सीट ऐसे नीचे अभी नहीं किया है, सोने के टाइम पे से नीचे करेंगे, तो यहाँ अपना कमरे जैसा ही लग रहा है पूरा। बांदीकुई की कढ़ी कचौड़ी काफी फेमस है, जो कि प्लेटफॉर्म 6 तरफ मिलती है, और उसे मैं आप लोगों को बता दूं इसको जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि आगरा से लाइन आती है वो बांदीकुई में आकर मिलती है, आगरा जयपुर वाली लाइन। अगर दिन का समय होता ना तो आपको खूबसूरत सी रेलवे कॉलोनी भी हम लोग दिखा पाते, जो कि इस तरफ आपको देखने को मिलेगी। जब आपकी ट्रेन जयपुर तरफ बढ़ेगी तो आपको लेफ्ट साइड कॉलोनी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी पुराने मतलब पत्थरों से बनी हुई है, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा दिन टाइम में देखने के लिए। बाकी फिलहाल यहाँ पर ज़्यादा देर रुकी नहीं हमारी आश्रम एक्सप्रेस, जैसे ही रुकी और तुरंत एक सब्सक्राइबर से मुलाकात हुई और तुरंत चल भी दी, ज़्यादा टाइम था नहीं हमारे पास। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से जयपुर में। दोस्तों वो जो लाइन आप देख रहे हैं ना वो सवाई माधोपुर से आ रही है, और यही लाइन अभी जयपुर जंक्शन में जाकर मिल जाती है। जयपुर मैसूर एक्सप्रेस, जयपुर मुंबई गंगोर एक्सप्रेस, ये सभी इस रूट को लेती हैं और इसी रूट से अपने सफ़र को तय करती हैं, और इतना ही नहीं बहुत सारी गाड़ियां इस रूट में चलती हैं। तो दोस्तों यहाँ 308 किलोमीटर की दूरी को तय करके हम लोग जयपुर जंक्शन पहुँच गए। जंक्शन क्यों कहते हैं तो आप लोगों ने देखा ही, अब भाई राजस्थान की राजधानी है तो चमकता हुआ स्टेशन है। अभी अभी जस्ट सैनिक एक्सप्रेस निकली जयपुर दिल्ली सरायरोला, उसका रूट जो है वो थोड़ा अलग है,
चुरू रिंगस के रास्ते वो वैसे जाती है रेवाड़ी घूमते हुए, मतलब उसको टाइम ज़्यादा लगता है, पर ट्रेन काफ़ी अच्छी है। कभी सैनिक एक्सप्रेस में भी मेरा सपना है कि मैं उसमें ट्रैवल करूँ, और यहाँ पर अपनी जो आश्रम एक्सप्रेस है ना, बिफोर टाइम आई है, थोड़ा सा 10 मिनट का वैसे हॉल्ट है, यहाँ पर रुकेगी। और मैंने नीलम से खाना ऑर्डर किया था, अब देखते हैं भाई इसका टेस्ट कैसा, क्योंकि आश्रम में वही रेडीमेड थालीज मिल रही हैं और हम इतने दिन से ट्रैवल कर रहे हैं ना कि रेडीमेड थाली वगैरह खाने का मन नहीं कर रहा है। चलिए मिलता हूँ जल्दी आप लोगों से, पहले खाना पीना रखा हूँ, डिपार्चर पे आप लोग थोड़ी बातें होंगी और थोड़ा चाय वगैरह लिया जाए स्टेशन में। यहाँ मौका अच्छा है भाई, आश्रम एक्सप्रेस का जो जनरल है वो भी काफ़ी पैक चल रहा है, दिल्ली से ही मैं से देख रहा था कि पूरा पैक चल रहा है जनरल, मतलब अंदर जाने की भी ज़्यादा खास जगह है नहीं। तो भाई इस ट्रेन के जो जनरल में ट्रैवल कर ले उसको हैट्स ऑफ मेरी तरफ से। बाकी मैंने तो इसके फर्स्ट एसी में इसलिए टिकट किया क्योंकि भाई कहीं टिकट मिल ही नहीं रही थी, और मैंने जस्ट कल ही बुक किया वीगो के थ्रू, और अपने को टिकट फाइनली फर्स्ट एसी में वेटिंग होने के बाद भी कंफर्म होकर के मिली। 5 रुपये। संदीप भाई ने एक नई अनोखी बात बताई, 5 रुपये की जाए। कहाँ पे? सामने केटली पे। केटली केटल में जो बेच रहे थे भाई उससे 5 रुपये की चाय लेकर आए, मतलब जंग जीतने वाली ऐसी फीलिंग आ रही है। रेलवे स्टेशन में 5 रुपये की चाय थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन भाई मिल रही है तो आप भी ट्राई कीजिएगा। बाकी जैसी बाकी जगह मिलती है वही गर्म पानी, चाय का फ्लेवर वही हाल है, इसका भी दूध की कमी। और चलिए जल्दी से इसे फिनिश कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी जो ठंड है वो बढ़ रही है, इसमें चाय बड़ी बढ़िया लग रही है। अब जयपुर रेलवे स्टेशन में भी अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का राज है। एक समय ऐसा था जब यहाँ केवल डीजल लोकोमोटिव से डीजल लोकोमोटिव देखने को मिलते थे। एक टाइम तो ऐसा था कि यहाँ मीटर गेज का भी राज था, वाईडीएम लोकोमोटिव्स मतलब तरह तरह के रूट्स में जाते थे, चुरू रतनगढ़ और अपना ये मेराता रोड वाला लाइन भी। फुलेरा जंक्शन के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, फुलेरा शेड के लोकोमोटिव्स का नाम तो आपने मतलब बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा मीटर गेज के। तो दोस्तों नीलम के रेस्टोरेंट से हमने मंगाया था इडली सांभर चटनी और यहाँ पे है अपनी चाउमीन। देखो भाई सीट ऊपर है तो कितना कंफर्टेबली हम लोग बैठे हुए हैं दोनों लोग मज़े से, यहाँ पे डिनर करें। चलिए जल्दी से इसे टेस्ट कर लेते हैं कैसा है इसका स्वाद। दोस्तों सबसे पहले रिव्यू करेंगे चाउमीन को क्योंकि मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने उसे ऑर्डर किया था। बाकी संदीप भाई को अपनी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है इसलिए उनके लिए इडली ऑर्डर की थी। इसमें एक मिक्स टेस्ट है, जैसा अपने यहाँ यूपी में होता है ना पूरा सोया सॉस वगैरह डाल के, और एक घरेलू टेस्ट भी इसमें सब्जियाँ होती हैं वो स्वाद आ रहा है। काफ़ी बढ़िया टेस्ट लगा मुझे चाउमीन का। बाकी अब थोड़ा इडली भी टेस्ट कर लीजिए, इडली सांभर कैसा है। आखिर मैं तो साउथ के खाना तो आप लोगों को कई बार रिव्यू करके दिखा चुका हूँ, अब नॉर्थ का भी देखें जरा कैसा है। ऐसा लग रहा है जैसे दाल बनाई उसमें थोड़ा गुड़ डाला गया, स्पाइसेस डाले गए और साथ में चावल की बॉल्स। क्यों वैसे ही है ना कुछ, क्योंकि इतना सारा साउथ से बढ़िया खा के हम लोग आए ना, तो ये चीज़ अब वैसे तो अच्छी लगी पर ठीक है। मतलब एक ट्रेन जाने के हिसाब से अच्छा है ये, हमें 64 रुपीज़ की पड़ी इडली, उस हिसाब से टेस्ट काफ़ी अच्छा है, पर हम लोग पूरा साउथ एक्सप्लोर करके आ रहे हैं ना इसलिए अंतर तो फील हो रहा है। चलिए जल्दी से हम लोग इसे फिनिश कर लेते हैं, जल्दी आपसे मिलते हैं। मेराता रोड वाली लाइन अपने से अलग हो जाती है, वो जोधपुर की ओर निकल जा रही है, हम लोग अजमेर वाली लाइन पे बढ़ रहे हैं। तो गाइस मैंने सोचा यहाँ पे आपको फुलेरा का स्किप दिखाऊंगा, पर ट्रेन दो गुड्स ट्रेन के बीच में फंसी थी और वहीं से मेन लाइन स्किप से इतनी तेज रफ्तार से निकली ना कि बस थोड़ा बहुत फुलेरा जंक्शन ही दिख पाया। अपने जमाने में बहुत ही बड़ा मीटर गेज जंक्शन था, मतलब बहुत बड़ा हब था मीटर गेज ट्रेन का, लोकोमोटिव भी मीटर गेज के यहीं पे थे, उनकी मेंटेनेंस वगैरह यहीं पे होती थी। यहाँ से हैदराबाद तक के लिए भाई, जयपुर से हैदराबाद तक के लिए मीटर गेज ट्रेन चला करती थी, उसी का हिस्सा है फुलेरा जहाँ से अभी ब्रॉडगेज लाइन्स है। और बाकी जोधपुर की ओर जाने वाली लाइन तो आप लोगों ने देखी होगी, हम लोग बढ़ चुके हैं अभी अजमेर वाली लाइन की ओर।
तो दोस्तों यहाँ बिल्कुल डॉट ऑन टाइम यानी 10:30 पे अपनी आश्रम एक्सप्रेस पहुँच चुकी है अजमेर जंक्शन, अजमेर शरीफ के दरगाह के पास हम लोग पहुँच गए हैं। पीछे खड़ी है खूबसूरत आश्रम एक्सप्रेस, सच बता रहा हूँ ऐसा लग रहा है जैसे भाई ये अपने सब्सक्राइबर भाई मिले थे। फिर मिलते हैं भाई, ठीक है, ख्याल रखना है। अभी यहाँ जा रहे हो क्या अजमेर शरीफ? ओके, टेक केयर भाई। तो ये अपने सब्सक्राइबर भाई थे जो मुझे यहीं पे मिले थे अभी ट्रेन जर्नी के दौरान ही। तो सच बता रहा हूँ कसम से ये जो ट्रेन है ना, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी राजधानी या दुरंतो जैसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ। उतनी साफ़ सुथरी है, कोचेज उतने साफ सुथरे हैं, वैसी मेंटेनेंस दी जा रही है और साथ ही साथ ट्रेन की जो पंक्चुअलिटी का गजब की मेंटेन की जा रही है। नॉनस्टॉप भाग रही है। फुलेरा जंक्शन हम लोगों ने ताबड़तोड़ रफ्तार में स्किप किया, अजमेर भी डॉट ऑन टाइम 442 किलोमीटर्स की दूरी लगभग 8 घंटे में हमने ख़त्म कर लिए। आगे जो ट्रेन के स्टॉप मारवाड़ जंक्शन में भी नहीं है, पलना आबू रोड महेसाणा, सुबह साबरमती होते हुए हम लोग सुबह सुबह भाई अहमदाबाद भी पहुँच जाएंगे 6:40 तक। मुझे लगता है जब तक दिन की शुरुआत होगी ना तब तक हम लोग अहमदाबाद के अंदर एंटर कर चुके होंगे, लेकिन साबरमती रिवर के दर्शन, वो रिवर फ्रंट आपको मैं दिन में दिखा पाऊँगा, ठीक है। फिलहाल वैसे बता दूँ अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में तो सभी लोग जानते हैं ना, और वैसे स्टेशन के अंदर कढ़ी कचौड़ी बहुत अच्छी मिलती है अजमेर में भी, और नॉर्मल कचौड़ी भी दाल वाली बहुत बढ़िया मिलती है। साथ साथ सोहन हलवा यहाँ का काफ़ी फेमस है, शायद संदीप भाई लेने गए, अगर वो लाएंगे तो आपको दिखाऊंगा। वैसे वो काफ़ी टेस्टी होता है, लोग हमेशा ऐसे खरीदते हैं। बढ़िया जगह है यार, कभी आप लोग यहाँ आए हो तो बताना ज़रूर। वैसे जो हमारे सब्सक्राइबर भाई थे ना वो यहीं के थे, इसलिए वो मेरे को जाते जाते बोल के गए कि भाई मेरी जर्नी यहीं पे एंड हो रही है। मैडम के पास है आगे है मैडम के पास है, आप आराम से जाओ। तो गाइस यहाँ अजमेर से अपना डिपार्चर हो चुका है और थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो गया था, उनको लगा कि उनकी बच्ची छूट गई है, पर आरपीएफ की मदद से उन्हें हम लोगों ने पहले ही आगे कोच में चढ़ा लिया है और पेरेंट्स थोड़ा पीछे चढ़ गए थे कोच में, तो कोई चिंता की बात नहीं है। फाइनली भाई बच्चे का जो मिलन है वो हो चुका है पेरेंट्स के साथ, और यहाँ पे हमारे हड़बड़ी के उनका जो सामान था वो गिरा और दूध वगैरह फैल गया था। वैसे एक चीज़ ज़रूर माननी पड़ेगी कि फर्स्ट एसी का जो गैलरी है ना रात के समय बहुत ही खूबसूरत लगता है, मतलब लाइन से लाइट चल रही है और जो मिरर है सब शाइन मार रहे होते हैं, बहुत ही कमाल की लगती है गैलरी। ये तो आपके पर्सनल रूम जैसा ही होता है पूरा। तो कुछ ऐसे बॉक्सेस में मिलते हैं यहाँ का सोहन हलवा। और संदीप भाई नींद आ रही है पर इसको बिना टेस्ट के सोऊंगा नहीं यार, संदीप भाई को बहुत पसंद है यार, मतलब इसको ढूंढते ढूंढते दिल्ली और कानपुर कहाँ कहाँ से ये नहीं खरीदा है। यार इसका टेस्ट सच में वाकई में अलग है, मतलब मैंने बहुत ट्राई किया है पर यहाँ जो स्वाद मिलता है ना अजमेर में वो और कहीं नहीं मिलता मुझे, तो जब भी यहाँ से गुजरता हूँ 2-3 पैकेट खा ही जाते हैं। हाँ तो ऑब्वियसली बात है, देखो एक डब्बा यहाँ भी पड़ा है एक डब्बा ये रहा, तो ये संदीप भाई के लिए इस पूरे ट्रिप के लिए 2 डब्बे संदीप भाई निपटा देंगे। तो फिलहाल रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अब सोया जाए क्योंकि कल सुबह सुबह अहमदाबाद के लिए उठना है और आगे एक और जर्नी करनी है सोमनाथ की ओर। फिलहाल के लिए गुड नाइट, मिलता हूँ आप लोगों से कल सुबह। तो अपने दिन की शुरुआत होती है साबरमती रेलवे स्टेशन से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आश्रम एक्सप्रेस में अपना डे 2 शुरू हो रहा है साबरमती नदी से। बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों साबरमती रिवर फ्रंट, लोग यहाँ मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं और इवनिंग में तो ये मतलब एक मेले जैसी जगह हो जाती है, लेकिन जो बहुत ही खूबसूरत और साफ सुथरी भी है। ये जो लाइन है दोस्तों से जल्द ही उदयपुर से जोड़ा जाएगा हिम्मत नगर के रास्ते और हम लोग अब अहमदाबाद जंक्शन पहुंचने वाले हैं। दिन जो है थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुका है। इतनी सारी चिड़िया आसमान में एक साथ आप लोगों ने देखी कभी? हम लोग अहमदाबाद जंक्शन पहुंच रहे हैं।
यहाँ भी हम लोग हैं राइट टाइम और अपनी आश्रम एक्सप्रेस पहुँच चुकी है अहमदाबाद अपनी जर्नी को ख़त्म करते हुए। दोस्तों फिलहाल आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और मुझे बहुत ही जल्दी यहाँ से बाहर निकलना है स्टेशन के, सामान वगैरह जमा करना है क्योंकि फिर जबलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस पकड़नी है और उसके लिए भी शूटिंग जो है वो शुरू करनी है। मिलूंगा जल्दी आप लोगों से ऐसी और ढेर सारी आने वाली जर्नीज में। इस वीडियो का सबसे अच्छा हिस्सा आपको क्या लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो भाई कर लो स्टडी द ट्रेन गुरु, वहाँ मैं अपनी जर्नी अपडेट्स देता रहता हूँ। पर हाँ एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करके जाना अगर अच्छा लगा है तो। यहाँ तक आपने देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, बस एक लाइक इस वीडियो को करिए, अपनी बेस्ट कमेंट को नीचे ड्रॉप करिए। मिलता हूँ जल्दी आप लोगों से और ऐसी बहुत सारी जर्नीज में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।